दूंगा जी ये पूरा 1 लाख रुपए। क्या देख रही हो? चलो जाओ यहां से। मैं देख रही हूं गुलखान के ये नदीदों की तरह पैसों को घूरने लगी है। अब जरा एहतियात किया करो इसके सामने। हाँ एहतियात करूंगा। नहीं दी किसने? इरफान ने। पिछले 2 महीने से उसने नहीं दिया है। कल जाऊंगा उसके पास, अगर उसने नहीं दिया तो अगले महीने फ्लैट पे कब्जा हमारा होगा इंशाल्लाह। खाना खाओगी? नहीं। अनम बेटा, तुम पढ़ी लिखी और पढ़े लिखे लोगों में सलीका होता है। क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी देखो थी किस तरह से तुमने चीजें फेंक दी हैं। सुबह भी जो हाल कमरे का हुआ हुआ था, चीजें उठाने में मुझे 1 घंटा लग गया है। ना तो मत उठाए, मेरा घर है, मैं संभाल लूंगी अपने घर को। तुम संभाल लोगे? हर तरफ गंद बिखरा हुआ होता है। आप ये कहने का मतलब है मैं गंदी हूँ? इसको सफाई भी नहीं कहते। क्या मुसीबत है, अपने घर में आजादी से नहीं रह सकता इंसान। आजादी का मतलब ये नहीं कि इंसान जानवरों की तरह रहे। आप मुझे जानवर कह रही हैं? तहजीब और सलीका इंसान को इंसान बनाता है, वरना जान सी जाएंगी अपने घर। आप मेरे घर के हालात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं मम्मी पापा से कैसे बात करूंगी? समझ नहीं आ रहा, सब नामुनासिब लग रहे हैं। मैं आपसे कुछ देर बाद बात करती हूँ। क्या बात है बेटा, तुम इतनी परेशान लग रही हो, किसका फोन था?